उत्तर पूर्वी दिल्ली में मशहूर सेलिब्रिटी संजय मित्तल ने शिक्षक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर प्राचार्य डीन व शिक्षक मौजूद रहे। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद प्रत्याशी मनोज तिवारी ने शिरकत की। सभी ने भाजपा प्रत्याशी मनोज तिवारी का स्वागत कर पुनः जिताने का संकल्प भी लिया। सभी आप सबसे बस एक जय घोष का नारा लगवाऊंगा, जय श्री राम, जय श्री राम। अब मैं अपने बड़े भैया मनोज तिवारी जी को करूंगा। अगले कार्यक्रम में जा रहा हूँ और ये भी याद रखना है कि विचारधारा दो ही है, एक है कि देश के लिए लड़ना है और दूसरे लोग है कि देश को तोड़ने के लिए लड़ना। एक है जो आतंकवादियों, अगर आतंकवादी कहीं गर्भ में भी पल रहा है तो उसको नष्ट करने के लिए लड़ना है, दूसरे हैं जो घर घर आतंकवादियों को निकालने के लिए लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में आपका सहयोग चाहिए, आपका समर्थन चाहिए, आपका प्यार आशीर्वाद चाहिए। इन्हीं बातों के साथ आप सबसे मैं विदा लेता हूँ। संजय जी, शिक्षक सम्मेलन आपने आयोजन किया है, इसका क्या उद्देश्य है, क्या मोटिव है चुनावी समर में इसको आयोजन करने का? पहले तो मैं सबको प्रणाम करता हूं और जय श्री राम करता हूं। और मैं ये कहना चाहूँगा, जो आपने प्रश्न किया जितेंद्र जी, कि शिक्षक सम्मेलन का क्या उद्देश्य है। शिक्षक तो आप मानते ही हैं कि हमारे बेसिक पिलर हैं और विकसित भारत 2047 हमारा टारगेट है। हम विकसित होकर भी दिखाएंगे, विश्वगुरु बनकर भी दिखाएंगे, तो शिक्षक का बहुत बड़ी अहमियत है उसमें। तो इसीलिए शिक्षक सम्मेलन आज भी रखा है, आगे भी होते रहेंगे। तो शिक्षक लंच में आए हैं, क्या कहेंगे इस प्रोग्राम के? देखिए, हम तो सुनते हैं कि एक शिक्षक खड़ा हो जाए तो प्रत्याशी अवश्य जीतता है। यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि दर्जनों शिक्षक और डीन के पद पे रहने वाले बड़े बड़े शिक्षा के कार्य को संभालने वाले शिक्षकगण यहाँ शामिल हुए। जसपाली जी हमारी जो शिक्षा प्रकोष्ठ देखती हैं, उन्होंने कार्यक्रम को किया, संजय मित्तल जी ने, और मुझे विश्वास हो गया कि अब ये जीत और भी बड़ी होगी। और कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अभी मैं सभी से मिल चुका था, शिक्षक वृंद से मैं एक ही भेंट हो पाई थी मेरी। तो मैं चाह रहा हूँ कि हर जो कम्युनिटी है उससे हमारी कम से कम दो मुलाकात जरूर हो जाए। आज शिक्षक समाज से भी हमारा दूसरा मुलाकात हुआ, एक दिन श्यामलाल कॉलेज के आसपास कहीं हमारी मीटिंग हुई थी। तो आज की मीटिंग बहुत ही फ्रूटफुल रही और जिस प्रकार से ये लोग बातें कर रहे हैं, मैं तो सुना भी, खाली मैं तो थोड़ा सा बोला, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो हम कहना चाहते हैं, जो नरेंद्र मोदी जी इस देश के बच्चे को बताना चाहते हैं, हर नागरिक मतदाता को, वो ये लोग पहुंचाएंगे। सर, क्या लग रहा है इस बार 400 पार के लिए शिक्षकों का साथ मिलेगा इस बार 400 पार होने में? हाँ, शिक्षक तो निर्माता है ना भविष्य का, और भारत का भविष्य नरेंद्र मोदी जी जब तक स्वस्थ चलते रहे तब तक इस देश का शिक्षक या इस देश का जो देश प्रेमी है वो कोई दूसरा थॉट ले ही नहीं सकता। नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बने रहना भारत के जल्दी से जल्दी विकसित होने का प्रमाण बन। सर, एक आखिरी सवाल और है, शिक्षकों के लिए क्या कुछ अहम रहेगा अगर फिर से आप लोगों की सरकार बन जाती? शिक्षकों का सम्मान, शिक्षकों की भर्ती। आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि जो रिक्त पद थे शिक्षकगण के, जो परमानेंट शिक्षकगण के, जो बरसों से एक बड़ा मुद्दा होता था, मुझे लगता है लगभग 5,500 की संख्या में हम इस अपनी सरकार में हम लोगों ने शिक्षकों की परमानेंट नियुक्तियां करी हैं। और इससे जो डीयू में, कि हम खाली डीयू की बात कर रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, इससे जो उल्लास और शिक्षा का वातावरण बना है वो आप स्वयं शिक्षकों से बात करके पता कर सकते हैं। अरे, पत्रकार तो देशभक्त भी होता है। पत्रकार, देखो, जैसे नेता अच्छे होते हैं लेकिन कुछ उसमें गड़बड़ भी आ जाते हैं, वैसे हर कम्युनिटी में कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन पत्रकार हमारे देश का
बहुत ही सजग है, सतर्क है और वो जानता है कि कौन देश से भक्ति करने वाला है और कौन देश तोड़ने वाला है।